हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में अपने बात करने वाले GSEB बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 18 की बात करेंगे, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। सो इसके पहले मैंने यही चैप्टर्स का और एक सेशन लिया था जिसके लिंक पर डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। अभी अपने बात करने वाले यहाँ टॉपिक से व्हाई प्राइस राइज शुड बी कंट्रोल, किस तरह प्राइस शुड बी कंट्रोल कर सकते हैं। अपने जानते हैं यार डे बाय डे क्या होते जा रहा है कि भाई प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि भाई इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ क्या हो जाती है आपकी, बहुत सारा मैसिव प्रॉब्लम्स आते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सिंपल है यार। अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कॉमोडिटीज़ को कहाँ से परचेज कर पाएंगे, करेक्ट। ये सब चीज़ों से बचने के लिए प्राइस कंट्रोल में होना ज़रूरी है। तो देखते हैं अभी किस तरह प्राइस कंट्रोल में हो सकता है, नेक्स्ट पेज पर अपने बताएंगे। जस्ट वन मिनट्स, ओके। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट पॉइंट दिए, सारे के सारे पॉइंट मोस्ट टाइम पे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर प्राइस राइज होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मतलब जो भी ओनर्स होता है उनको क्या मिलता है, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। उनकी इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इनकम आएगा तो ज़्यादा परचेस करेंगे ज़्यादा चीज़ों को, तो उनका क्या होगा, इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, करेक्ट। इसके अलावा क्या होगा, इंक्रीज इन द डिमांड इन द गुड्स, क्योंकि आपकी चीज़ अगर बाजार में ज़्यादा चल रही है मार्केट में तो क्या होगा यार, आपकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी ना, करेक्ट। इसके अलावा द सर्विसेज एंड लाइव्स एंड पुअर्स एंड मिडिल क्लास बिकम द मिजरेबल, तो अगर ये सब चीज़ें अगर बढ़ती जाती है तो जो पुअर पीपल और जो मिडिल क्लास पीपल्स है वो लोग क्या करेंगे, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो गया, वो लोग परचेज कहाँ से कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, अगर प्राइस राइज होता है, अगर प्राइस बढ़ जाता है एनी वन दैट कॉमोडिटीज़ का, लोग क्या करेंगे, सेविंग एंड कैपिटल जनरेशन लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सेविंग करना लोग कम कर देंगे, करेक्ट। इसके अलावा जो जनरेट करते हैं, मतलब न्यू मनीज या तो न्यू लैंड एक्सेट्रा कुछ भी बोरो करते, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा और आगे बात करेंगे, अगर कोई प्रोडक्शन होता है, कैन आई प्रोडक्शन एनी वन दैट कॉमोडिटीज़ का अपने प्रोडक्ट करते हैं, जिस तरह के यार एक्सेट्रा बात करें तो यार वूलन क्लोथीज़ की, या तो फिर फर्नीचर की, या तो फिर कॉमोडिटीज़ वाले कोई भी आइसक्रीम पार्लर एक्सेट्रा, अगर क्या होगा तो भी लोग उसको कम से कम प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि यार मार्केट में वो चीज़ बिक नहीं रही है। तो इससे क्या होगा कि जो न्यू डेवलपमेंट होगा, जो न्यू बिजनेस होगा, न्यू इंडस्ट्रीज होगी, न्यू एम्प्लॉयमेंट होगी, वो वहाँ पे रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यार प्राइस बहुत बढ़ गया है तो लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, अगर ज़्यादा में ज़्यादा प्राइस राइज होगा तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने यहाँ पे, जिसकी वजह से इम्पोर्ट गुड्स, अगर इम्पोर्ट गुड्स का प्राइस ज़्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए आ सकती है। सिंपल देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि भाई जैसे ही अगर इम्पोर्ट गुड्स होता है वो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, बहुत ही कम होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो जो अपने इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को, करेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा में ज़्यादा जाएगा यहाँ से, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ से कम लोग यहाँ पे ख़रीदने आ रहे हैं, करेक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड एंड द विच गिव्स द राइज टू न्यू प्रॉब्लम्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट कॉमोडिटीज़ है, मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जो भी अपने लिए जो वीट्स है, ग्रेन्स है, शुगर्स है एक्सेट्रा, करेक्ट, अगर उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, हुआ ही था, हालांकि अपना लॉकडाउन में देखा था सबका क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ही कम हो चुका था, जिससे क्या होता है, स्कैरसिटी हो जाती है, मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, जिससे क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन होता है उनका स्टैंडर्ड लाइफ क्या हो जाए, डिक्टोराइट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, एंड जो पुअर पीपल होते हैं बिकम पुअर हो जाते हैं और ज़्यादा में ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, करेक्ट। पता चला कि यार अगर मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, राइट, जो भी चीज़ आपको एक्सेट्रा, आप कोई चीज़ भी रिक्वायर, चलो मान लो कि चॉकलेट्स की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन यार उसका अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्कैरसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, जो मतलब पीपल से, राइट, वो डिक्टेटर हो जाते हैं, उनको वो चीज़ की ज़रूरत है। हालांकि चॉकलेट की ज़रूरत किसी को होती नहीं है, बट मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर कोई अपने कंट्री में मतलब कोई भी एनी वन दैट थिंग्स
करेक्ट। अगर उसका प्रोडक्शन चार्ज राइट प्रोडक्शन गुड्स क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है सो वो गुड्स क्या होगा, अगर प्रोडक्शन गुड्स बढ़ गया तो उसका क्या होगा एक्सपोर्ट ज़्यादा में ज़्यादा बढ़ते जाएगा, करेक्ट। इसके सामने अगर इसके सामने अपने बात करें इम्पोर्ट गुड्स क्या हो जाएगा चीप होता है मार्केट्स में, राइट। जो भी इम्पोर्ट अपने यहाँ से करते हैं वो क्या होते हैं चीप होते हैं ना मार्केट में, उसका रिजल्ट क्या होगा जो एक्सपोर्ट होगा ना वो कम हो जाएगा। याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट में कोई इम्पोर्ट्स कोई इम्पोर्टर अपने यहाँ से कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं राइट चीप हो जाता है मार्केट में बहुत सस्ता हो जाता है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इम्पोर्ट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, मतलब बाहर से राइट इम्पोर्ट ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट। और इसकी वजह से क्या होगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी एक कंट्री नहीं बहुत सारी कंट्री में सब जगह पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई ज़्यादा में ज़्यादा चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो पाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। सो दैट इसके अलावा एक बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की लिविंग, अभी यहाँ पे बात करेंगे अगर प्राइस राइज होता है तो जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं ना वो डिक्टोरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है ना वो थोड़ी और कम हो जाती है, मतलब जो चीज़ परचेज करने वो प्रॉपरली नहीं कर परचेज कर पाते, क्योंकि अपने सिर्फ इंडिया की बात करें सिर्फ अपने गुजरात की बात करो ना तभी भी 60-70% से ज़्यादा पीपल सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली के हैं और पुअर 70% जितने तो मिडिल और पुअर क्लास में आते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनकी डिक्टोरेट होते हैं, मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है ना रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो पाती। किसकी वजह से, अगर ये सब फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि थेफ्ट करते हैं चोरी राइट रॉबरी करेंगे मर्डर करेंगे क्राइम बेटिंग होल्डिंग प्रॉफिटिंग ब्लैक मार्केटिंग करप्शन सुसाइड इंक्रीजिंग सोसाइटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। अपने खुद भी देखते हैं ना यार ये जिस तरह के टीवी सीरियल्स आते हैं बहुत सारे टीवी सीरियल्स अपने यहाँ पे आते हैं सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो यहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि भाई ये सब चीज़ों किसकी वजह से हुआ मोस्टली तो मनी की वजह से। आप खुद देखो वहाँ पे जो टीवी सीरियल्स में जो केसेस आते हैं ना गुजरात के बहुत कम होते हैं, क्यों पंजाब क्यों वहाँ के बिहार के राजस्थान के झारखंड के वहाँ के क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यार वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ है ना वो बहुत ही लो है, वहाँ की जो पब्लिक है उनकी इनकम बहुत लो है, इसलिए तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं राइट काम करने के लिए। और अब राइट आप भी को देखते हो कि अपने यहाँ पे वर्कर्स भी आते हैं वो बाहर के स्टेट के होते हैं अपने यहाँ के नहीं होते। सो नेक्स्ट इसकी वजह से क्या होगा इन्फ्लेशनरी होगा, मैंने ये बहुत बार बताया इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इन द हिंड्रेंस ऑफ इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टेप टू टेक ऑन द कंट्रोल द प्राइस राइज, किस तरह प्राइस राइज को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस तरह की अपने बात करते हैं डिफरेंट थिंग्स की जो अगर ज़्यादा में ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट होती है अगर उतना प्रोडक्शन होने लगे जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर उतना प्रोडक्शन अगर बढ़ने लगे तो शायद से प्राइस राइज नहीं हो सकता, करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कौन से अपने को पॉइंट्स बताए। मॉनेटरी मेजर्स की बात करेंगे यहाँ पे भी उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बताए। तो यहाँ पे जो अपनी बैंक की बात करें तो RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो लोग क्या करते हैं यार वही मनी आपका बनाते हैं राइट वही नोट्स जो प्रिंट आउट करते हैं वो लोग क्या करेंगे रिड्यूस कर देंगे, मतलब मनी प्रिंट आउट करना बंद कर देंगे राइट। जिससे क्या होगा अगर मनी कंट्रोल करें मतलब मनी अगर बनाना बंद कर दे तो क्या होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी लोगों की चीज़ है मतलब लोगों के पास मनी कम रहेगा, अगर वहाँ से गवर्नमेंट के पास से अगर कोई मनी नहीं आएगी अगर वो लोग प्रिंट आउट ही नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसे नहीं आएंगे, अगर मार्केट में मनी नहीं आएंगे तो लोग क्या करेंगे अपनी चीज़ों को मतलब जो अपनी कॉमोडिटीज मतलब अपनी को ज़रूरियात होती है उसको कम कर देंगे, करेक्ट। मतलब वो ज़्यादा मनी यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे डिफरेंट थिंग्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी डिमांड है मतलब जो भी गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, सो दैट RBI बैंक क्या करती है कि भाई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बढ़ा देती है। अभी खुद देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई कोई बैंक वाले 6% लेते हैं कोई 8% और कोई कोई बैंक वाले 13% या तो फिर 20% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने वही बात करेंगे तो यार गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जिसको भी यार लोन लेना हो या तो क्रेडिट लेना हो
करेक्ट, तो वो लोग क्या करेंगे, लोन या क्रेडिट तो लेते ही है वो लोग गवर्नमेंट के पास से। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो पैसे वो लोग क्या करेंगे कहीं और बर्बाद नहीं, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट, अलग अलग कॉमोडिटी मतलब अलग अलग चीज़ों में वो लोग क्या करेंगे पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, और ज़्यादा में ज़्यादा क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इसलिए करेंगे ना कि यार रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा में ज़्यादा मनी क्या करेंगे सेविंग करेंगे। तो जैसे ही राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो पे कर देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को यही चीज़ बताई है गवर्नमेंट ने, अगर प्राइस राइज, अगर गवर्नमेंट प्राइस राइज बढ़ा देती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो लोग क्या करेंगे ज़्यादा में ज़्यादा मनी को सेविंग करेंगे, करेक्ट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है वो पे करने के लिए। अगर सेकंड टाइप, अगर दूसरी बाजू देखें सो लोग क्या करेंगे ज़्यादा सेविंग करेंगे, उनके डिपॉजिट राइट डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट। इससे क्या होगा कि भाई जो करप्शन है, जो बैटिंग है, स्पेचुलेशन है, होल्डिंग, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा कंट्रोल में आपका आ जाएगा। द नेक्स्ट, सो थर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया, जिस तरह आगे अपने ने बात किया था कि भाई के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अपने को यही बताया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है कॉमर्शियल बैंक में, मतलब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक में, अगर क्या हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है तो लैंडिंग रेट भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा उसके सामने की साइड राइट, जिसकी वजह से लोग जो वहाँ पे जमा करवाने आते हैं बैंक में मनी, वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी लोग ये सब मनी लेते हैं, करेक्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेस मनी इन द स्ट्रेच एंड फ्रॉम द बैटिंग, मतलब जो बैटिंग करते हैं, एंड द कम्स बैक टू द, बैटिंग का मतलब ये नहीं होता खेलने वाली, बैटिंग का मतलब होता है यार जिस तरह की अपने बात करूँ शेयर मार्केट में लोग बैटिंग करते हैं कि भाई पर डे इतना शेयर परचेज करते हैं, बाकी का शेयर वो क्या करते हैं सोल्ड कर देते, तो उस टाइप का यहाँ पे इसको बैटिंग बोला जाएगा, करेक्ट। बैटिंग एंड द कम बैक इकोनॉमी फॉर द सेविंग, ज़्यादा में ज़्यादा मनी को क्या करेंगे वो लोग सेविंग करेंगे, और इससे क्या होगा उनको मनी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो ब्लैक मनी लोगों के पास पड़ा है ना वो बाहर निकलेगा। देखो गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे का रीज़न ये बताया हुआ है, अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है तो लोगों के पास जितना ब्लैक मनी है ना वो बाहर की साइड निकलेगा, क्योंकि लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो लोग क्या करेंगे पैसे निकालेंगे अपने यहाँ से, करेक्ट। सोचो आगे बात करेंगे, सो ब्लैक मनी अगर आती है आपके पास तो क्या होगा, न्यू मनी आपके पास डेवलप होगा गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट के पास न्यू मनी डेवलप होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी न्यू प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करेगी। आगे बात करेंगे, अगर बैंक में, अगर कोई भी बैंक में इंक्रीजिंग हो जाता है रिजर्व फंड, राइट, रिजर्व फंड ऑफ द बैंक में क्या हो जाता है ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रांच कॉमर्शियल क्या हो जाता है कंट्रोल में आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है डिक्रीजिंग हो जाता है लैंडिंग, करेक्ट। तो लोग क्या करते हैं मनी वहाँ पे देना कम कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सो गवर्नमेंट क्या करेगी ओपन मार्केट में क्या करेगी, जो उनका लैंड होता है उनको सोल्ड करती है, मतलब बेचती है, करेक्ट, करेक्ट। तो जिससे क्या होता है बैंक और वहाँ के लोगों को क्या मिलता है मनी मिलता है वहाँ से, बैंक्स एंड द पब्लिक आर रिड्यूस हो जाते हैं, राइट, कॉमर्शियल की वजह से। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई जो इससे क्या होता है कि पब्लिक के जो मतलब पीपल्स के हाथ में मनी होता है ना वो कम आता है, मतलब उनके हाथ में कम पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, एंड रिजल्टिंग क्या होता है कंट्रोल हो जाता है प्राइस राइज, करेक्ट। सो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि किस तरह प्राइस राइज बढ़ नहीं सकता, करेक्ट, कि किस तरह अपने प्राइस को राइज नहीं होने देंगे देना चाहिए, क्योंकि अपने देखते हैं जहाँ देखो वहाँ पर मनी इंक्रीजेज होते जा रहे, कोई भी कॉमोडिटीज़ की बात करो, एनी वन टेक थिंग्स की बात करो, पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं करेक्ट। किसकी वजह से, तो यार इन सब चीज़ों की वजह से, आपने अगर टॉपिक देखे थे ये वाले सारे टॉपिक्स, जिसकी वजह से मनी क्या हो जा रहा है बढ़ते जा रहे, उसके प्राइस राइज होते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे फिस्कल मेजर्स की, सो फिस्कल मेजर्स का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट स्ट्रेटर्जी, क्या बताया गया है गवर्नमेंट स्ट्रेटर्जी, जिसका मतलब क्या है रिस्पेक्ट टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर, करेक्ट, इसका मतलब क्या बताया पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द राइजिंग क्या हो जाता है आपका टैक्स बढ़ जाता है एंड द पब्लिक लोन, उसको भी बोला जाता है, मतलब ये तब सब चीज़ों को मिलकर उसको भी बोला जाता है फिस्कल मेजर्स। तो बात करेंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे रूल्स अप्लाई करती है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी अपने जो भी एक्सपेंडिचर मतलब जो भी खर्चा उनका होता है गवर्नमेंट
क्या करेगी, तो हो सके उतना गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब पे रिड्यूस करती है, मतलब एक्सपेंड जितना होता है उससे कम से कम करना चाहेगी। करेक्ट, क्यों कम करना चाहेगी, अगर वो अपना कामकाज मतलब जो भी वर्कआउट करती है उस पर क्या करे, अगर पैसे कम से कम वो वेस्ट करे तो उनके पास क्या रहेगा, मनी एक सूटेबल फॉर्म में रहेगा, मतलब ज़्यादा मनी उनके पास इकट्ठा होगा, तो जिससे क्या होगा कि भाई वो जो भी काम करते हैं मतलब जो भी न्यू स्कीम बनाते हैं तो उसमें क्या हो सके प्रॉपर अमाउंट में पैसे को एक्सपेंडिच कर सके, मतलब यूज़ कर सके। करेक्ट, भले उनको पता हो बराबर, तो उनको ये पता हो कि भाई आगे आज नहीं तो कल, उनको पता है कि इसमें से जो भी वो लोग न्यू स्कीम स्टार्ट कर उनको बेनिफिट ही मिलने वाला है। बट अगर गवर्नमेंट को ऐसा पता चल जाता है कि भाई जो भी हमने स्कीम स्टार्ट की है या तो जो भी हम स्कीम स्टार्ट करने वाले हैं अगर उनमें आगे 2-3 ईयर्स में कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है वो स्कीम को वहाँ पे ही बंद कर देती है। करेक्ट, याद रखना गवर्नमेंट भी ये सब काम करती है, जिससे गवर्नमेंट क्या करेगी भाई बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में एंड उनका जो एक्सपेंडिचर मतलब ज़्यादा का खर्चा है ना उसको क्या कर देंगे, बंद कर देते गवर्नमेंट। करेक्ट, सो सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बताया थर्ड टॉपिक में, तो गवर्नमेंट अपने को ये बता रही है कि भाई जो भी टैक्सेशन पॉलिसी है, करेक्ट, तो गवर्नमेंट क्या टैक्सेशन पॉलिसी को इंक्रीज कर देती है। देखो लिखा है टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा प्राइस राइज हो जाता है, तो जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनको जितना एक्सपेंडिचर करना मतलब जितना उनको खर्च करना चाहिए वो लोग क्या करेगी उतना ही मनी उसके पीछे खर्च करेगी। जिस तरह क्या ये अभी अपने बात करेंगे जीएसटी आ चुका है, सो यार आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी 12% जीएसटी लगता है, मीन्स अगर आप 100 रुपीज़ का खाते हो तो आपको 12 रुपीज़ ज़्यादा देकर आना पड़ता है। 1000 रुपीज़ अगर आपका लंच लेकर या डिनर लेकर आते हो 1000 रुपीज़ का, तो उसके सामने आपको 120 रुपीज़ पे करना पड़ता है 12% जितना, क्योंकि भी गवर्नमेंट उतना प्राइस क्या कर दिया है टैक्सेशन बढ़ा दिया है। सो लोग क्या करेंगे, टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे कम से कम यूज़ करेंगे। आप खुद देखते हो रेस्टोरेंट में भी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है, क्योंकि जब से टैक्स जीएसटी वाला बिल आ चुका है उसके बाद तो राइट, इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो भी करेक्ट इनकम टैक्स होती है, कॉमन कंपनी टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या कर देती है राइज कर देती है। अभी आप खुद देखो यार, पेंसिल भी लेने जाते तो उसको भी टैक्स लगता है यार, सिंपल एक 1 रुपीज़ वाली चॉकलेट लेते हो ना तो उसके ऊपर भी, चॉकलेट के ऊपर भी टैक्सेसर होता है, गवर्नमेंट उसके भी टैक्स अप्लाई करती है। शायद से आपको पता नहीं होगा बट आप क्या करो, जो भी चॉकलेट का रेपर आता है उसके पीछे के साइड देखो लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस। करेक्ट, तो इससे पता चलता है गवर्नमेंट क्या करती है हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स आपका अप्लाई करती है। करेक्ट, जिससे क्या होता है एक्सपोर्ट जो भी यहाँ पे चीज़ करते हो कंट्रोल में आ जाता है, एक्सपोर्ट अगर कंट्रोल में आ जाता है राइट, तो इम्पोर्ट गुड्स में क्या, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है इम्पोर्ट गुड्स होता है उसमें ज़्यादा में ज़्यादा टैक्स हाई रेट का रेवेन्यू अप्लाई करती है। अब खुद देखो रिबॉक के शूज़ देखो या 3000 के शूज़ स्टार्ट होते हैं तो कहाँ से हुए, तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है जो इम्पोर्ट थिंग्स होता है ना उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स अप्लाई करती है, जो जिससे क्या होगा इम्पोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और लोग क्या करेंगे इम्पोर्ट चीज़ों को यूज़ करना बंद कर देंगे। करेक्ट, गवर्नमेंट का यही टेक्निक्स होती है। नेक्स्ट बात करेंगे पब्लिक लोन पॉलिसी की। सो यहाँ पे क्या बताया गवर्नमेंट है पब्लिक लोन पॉलिसी में, तो गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक लोन को अप्लाई करती है, मतलब क्या करती है अभी मार्केट में उसको बताती है लोगों को, जिसके रिलेटेड क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है लोन देती है पीपल्स को। राइट, लोन देने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है कंपलसरी सेविंग प्लान भी बनाती है, जिससे क्या हो सकता है आप ज़्यादा में ज़्यादा मनी क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो, और लोगों पे क्या होता है जो भी इंटरेस्ट होता है मतलब जो भी डेप्ट होता है वो क्या हो जाता है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम ही ऐसी बनाती है कि भाई आप मनी ज़्यादा डालोगे तो आपको सेविंग मिलेगा, ज़्यादा में ज़्यादा सेव मिलेगा, मतलब लोग क्या करेंगे उस स्कीम में ज़्यादा पैसे अप्लाई करेंगे। करेक्ट, तो जिससे क्या होगा कि भाई जिनके ऊपर भी डेप्ट ज़्यादा होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई रिड्यूस ऑफ द रेट ऑफ पब्लिक डेप्ट डिक्रीजेस होगा, गवर्नमेंट हेल्प द गिविंग सब्सिडी, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या देती है सब्सिडी भी देती है, जिससे क्या होता है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है मतलब लोगों पे जो टैक्स होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन एंड कवरेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके जस्ट वन मिनट। सो इसके बाद गवर्नमेंट क्या बता रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन एंड द कवरेज कर रही है डायरेक्ट टैक्स को। करेक्ट, एंड नेक्स्ट बात करेंगे तो जो भी रिच पीपल्स होते हैं
और बहुत सारे रिच पीपल्स होते हैं तो उनके पास क्या करती है यार, जो भी उनकी लग्जरियस लाइफ है उन सब चीज़ों पे क्या करती है, प्राइस ज़्यादा बढ़ा देती है। मतलब यार ज़्यादा प्राइस बढ़ाएगी मतलब उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप खुद देखो यार कार, राइट, BMW मर्सिडीज जैसी कार, उसके सामने कार बहुत सारी अपनी हुंडई मिलती है, बहुत सारी हुंडई की कार्स मिलती है, बट आप उनके प्राइस क्यों हाई होते हैं, क्यों इनके प्राइस लो होते हैं? तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी चीज़ वहाँ से इम्पोर्ट होकर आती है, करेक्ट, जो भी इम्पोर्ट होकर आती है गवर्नमेंट उस पर कहती है टैक्सेशन ज़्यादा लगाते हैं लग्जूरियस लाइफ पर, तो लोग क्या करेंगे, वो चीज़ों को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और अगर वो चीज़ों को गवर्नमेंट ज़्यादा, लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, करेक्ट, तो क्या होगा, इंडिया का मनी इंडिया में पड़ा रहेगा और लोगों को ईजिली प्रोवाइडेबल होगा। सो इससे क्या होगा कि भाई द स्टेप्स गवर्नमेंट प्रोपोजल टू इनकम हैंड विल बी रिड्यूस एंड द रिजल्ट क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीजिज, जिससे लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड फाइनली प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कंट्रोल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बताया, जो भी लग्जूरियस थिंग्स है, मतलब एनी वन दैट्स, वो लग्जूरियस आइटम रिड्यूस, मतलब लग्जूरियस आइटम को, लग्जूरियस आइटम और जो बिना काम के मतलब अनयूजफुल जो थिंग्स होती है, करेक्ट, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई करती है, करेक्ट। सो यही गवर्नमेंट अपने को बता रही है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई ये सब चीज़ों पे कम से कम डेप्ट करे, मतलब मनी कम से कम दे रही है, राइट, जिससे क्या होगा कि भाई उसके लिए बराबर, चलो अब समझो, अगेन टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें लग्जूरियस आइटम्स या लग्जूरियस थिंग्स होता है तो वो लोग क्या करेंगे, कम से कम अगर रिड्यूस करेंगे, मतलब उसका यूज़ अगर कम करेंगे या तो फिर अनयूजेबल थिंग्स का यूज़ करेंगे, सो रिड्यूस आइटम, सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस एंड परमिट प्रोवाइड करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लग्जूरियस आइटम्स के लिए, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अप्लाई करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी प्रोडक्शंस है, मींस एग्रीकल्चर्स एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होता है उसको क्या करेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा में ज़्यादा बेनिफिट करवाएगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा इंक्रीज होगा। बैटिंग रिलेटेड क्या होगा, लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे बैटिंग पे, करेक्ट। इसके अलावा क्या होगा कि जो भी यूजफुल थिंग्स है, मतलब जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, अपने लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसका गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा में ज़्यादा मुनाफा करेगी, मतलब वो प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या बढ़ेगी, गवर्नमेंट बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा कि भाई आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रोथ होगा। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका इंक्रीज होगा तभी जाके आपके पास मनी दिखाई देंगे, एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, एनकरेज करेंगी स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ावा देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका ज़्यादा होता है तो लोग क्या करेंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे, करेक्ट, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा। सो इस टाइप पे गवर्नमेंट अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे कर रही है। देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, प्राइस रेगुलेशन एंड द रिटर्निंग्स, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। PDS की बात करेंगे, PDS का टॉपिक अपने ने आगे लास्ट चैप्टर में स्टडी कर लिया था, बट यहाँ पे अगेन टाइम आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्राइस राइज होता है उसको कंट्रोल में लाने के लिए डिफरेंट स्कीम बनाती है, उसमें से एक सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कब से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो 1977 से, जिसका मेन एम क्या है कि भाई जो भी पीपल्स की लो ग्रुप इनकम है, या तो फिर जो BPL में आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, या तो फिर जो पुअर्स है, मतलब पॉवर्टी पीपल है, उन सबको मिनिमम प्राइस में, राइट, मिनिमम प्राइस में उनको क्या मिल सके, थिंग्स, मतलब गुड्स मिल सके, फूड्स मिल सके, वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, FPS, मतलब ऐसी फेयर प्राइस शॉप गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, करेक्ट। इसके आगे भी आपने बात किया था, अगर अपने कंट्री की बात करें तो 4.92 लाख FPSS, मतलब फेयर प्राइस शॉप है अपने यहाँ पे अवेलेबल्स है, करेक्ट। ये सब शॉप पे क्या होता है कि भाई मिनिमम प्राइस पे क्या मिलता है आपको, थिंग्स मिलती है, मतलब जिस तरह के वीट्स हो, ऑयल्स हो, सुगर्स हो, वो सब क्या मिलता है, मिनिमम प्राइस पे मिलता है, जिसकी वजह से लोग क्या कर सके, उस चीज़ को यूज़ कर सके, करेक्ट, और उनका जो भी एक्सेट्रा मनी होता है ना वो सेविंग कर सके, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, करेक्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट शॉप होता है, मतलब रेशन शॉप और जो भी प्राइवेट शॉप है, उन सब का प्राइस भी कौन फाइंड आउट करता है, तो गवर्नमेंट फाइंड आउट करते हैं, राइट। इससे क्या मिलता है भाई, सब्सिडी मिलती है, द अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी बोला जाता है, मतलब इतना आपको क्या मिला, कम देना मिला, तो जिससे आपको क्या मिलता है, सब्सिडी मिलता है, करेक्ट। इसके अलावा क्या होता है कि भाई चलो सब्सिडी तो मिला, तो नेक्स्ट जो ब्लैक मार्केटिंग होता है, या तो फिर
राइट, ब्लैक मार्केटिंग होता है, बैटिंग होता है, वो सब क्या हो जाता है, यहाँ से कम हो जाता है, जिसको अपने इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, PDS स्टार्ट किया, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिससे हो सकता है कि प्राइस कंट्रोल हो सके। और आप देखते हैं कि 1977 से अभी तक स्टार्ट हुआ है, अभी तक अपने यहाँ पे क्या इन्फ्लेटरी सिस्टम कभी आई नहीं है, तो प्राइस अपना कैसा रहा, कंट्रोल में रहा है, करेक्ट। सो दैट नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनों को क्या बता रही है कि प्रिवेंट होल्डिंग, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भाई जो स्टोर करके रखता है वो लोग, जिसको बोला जाएगा प्रिवेंट होल्डिंग, मेंटेन द प्राइस राइज ऑफ द एसेंशियल गुड्स एट द रीजनेबल लेवल्स एंड द इजीली अवेलेबिलिटी, मतलब जो आपको इजीली अवेलेबल हो सके, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी अपने को इजीली अवेलेबल हो सके उन सबका गवर्नमेंट क्या करती है, खुद प्राइस डिसाइड करती है, करेक्ट। और गवर्नमेंट खुद ध्यान रखती है कि भाई ये सब कॉमोडिटीज़ का, ये सब चीज़ों का कोई ज़्यादा में ज़्यादा प्राइस तो नहीं ले रहा है ना गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक के पास से। सो राइट, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, खुद एक लॉ पास आउट करती है अपने अंडर कंट्रोल में, और क्या करती है, एक इम्प्लीमेंटेशन करती है कि भाई इससे कोई चीज़ का प्राइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स अप्लाई किया है, करेक्ट, जो 1955 में हुआ था, करेक्ट। वो कौन सा है, लेजिस्लेशन एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट, जो 1955 में फॉलो हुआ था, अप्लाई हुआ था, तो जिससे ज़्यादा प्राइस को आप क्या कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। सो गवर्नमेंट ने ये सब क्यों किया, तो गवर्नमेंट ने इसलिए किया कि भाई जो पुअर पीपल्स है उनको क्या मिल सके, भाई एक दाम में वो चीज़ें मिल सके, और वो प्राइस रेट ही आप क्या कर सकते हो, किसी को भी सोल्ड कर सकते हो, कोई भी थिंग्स को आप सोल्ड मार्केट में बेच सकते हो। अगर इस टाइप का वर्क कोई नहीं करता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको लॉ अप्लाई करके उसको प्रिजनर भी कर सकती है, मतलब उसको पकड़ भी सकती है, और उसके सामने लीगल एक्शन भी गवर्नमेंट ले सकती है। सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि इंटेंसिव कैंपेन ऑफ द अगेंस्ट होल्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स जो भी होगा कम हो जाएगा, एंड स्पेचुलेशन भी कम हो जाएगा अंडर द पासा, देखो PASA, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, याद रखना पासा, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जो गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया हुआ है कि जिससे क्या हो सके कि भाई अब आपको पता है कि गोडाउन में बहुत सारा माल होता है बराबर, बट वो लोग क्या करते हैं यार, माल को बाहर नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते, थिंग्स को क्यों बाहर नहीं निकालते, क्योंकि यार लोगों को, यार सिंपल मैंने जिस तरह समझाया आपको, अगर मार्केट में वो वैल्यू चीज़ कोई वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, करेक्ट। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, तो यार लोग क्या करेंगे, धीरे 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 वो चीज़ों को बाहर निकालेंगे, करेक्ट, तो इससे ही मुनाफा उनको ही ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखती है। तो टोटल कंट्रोल प्राइस करने के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग लेती है, रेगुलर स्टॉक कमोडिटी, मतलब उनका रेगुलर स्टॉक कितना होता है वो चेक करती है, उनके पास डिस्प्ले करवाती है, रजिस्टर करवाती है, प्राइस कितना लेते हैं वो रजिस्टर करवाती है, जिससे क्या होगा कि लोगों को इससे ज़्यादा प्राइस नहीं देना पड़े। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों में प्राइस राइज करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, ऑनियन, राइस, कॉटन, सीमेंट, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस, केरोसिन, शुगर, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, रेलवे फ्राइट एक्सेट्रा, जैसी चीज़ों पे गवर्नमेंट क्या करती है, मैकेनिज्म करती है, मतलब प्राइस कंट्रोल करती है। सो इससे ज़्यादा प्राइस कोई ले नहीं सकता, और इसके अंडर भी आप सब चीज़ों को दे सकते हो। सो होप, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक का आपको कंप्लीटली क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आज के लिए यहाँ तक का रखेंगे, बाकी का अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।